अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का और कम ऑयल का खाना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं ये सूजी हांडवो, जिसको बनाने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, ये हमारी बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सूजी ऑलरेडी 1 कप निकाल ली है और साथ ही मैं बेसन भी लेकर आई हूँ। तो जो हम सूजी हांडवो बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी निकाल दी है बर्तन में, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच अच्छे से भर के बेसन लिया है, और साथ ही 2 ही छोटा चम्मच में यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ। इससे जो हमारा हांडवो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। उसके बाद इसमें मैंने लगभग 1/2 ग्लास पानी डाला है। सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को थोड़ा सा भिगोना है, एकदम से हम पानी नहीं डालेंगे नहीं तो एकदम से पतला हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ दही। तो दही मैंने टोटल 1/2 कप लिया है और इसको मैं 1/2 करके ही डाल रही हूँ, जिससे कि एकदम से हमारा जो बैटर है वो पतला ना हो जाए। तो देखिए लगभग पूरा ही मैंने दही इसमें ऐड कर दिया था, और इसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। दही ज़रूर डालिएगा, इससे क्या जो हमारा हांडवो है अंदर से सॉफ्ट बनेगा और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ रफली चॉप की है, जैसे हमारा प्याज है, गाजर और टमाटर है। अब क्या करेंगे, एक चॉपर ले लेंगे, उसमें पहले हम प्याज और गाजर को थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो गाजर कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे, और जब हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी चॉप हो जाएंगी इसके बाद इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे, और फिर साथ में हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो सब्जी एकदम हम बारीक कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई और सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक सब्जियाँ हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे कि सारी सब्जियाँ जो हमारा सूजी का बैटर है उसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखिए सब्जियाँ ऐड करने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसकी की है। मैं इसकी जगह यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। तो बस सब्जी और हरी धनिया डाल के एक बार और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1/2 छोटा चम्मच के करीब नमक, 1/2 छोटा चम्मच ही चिली फ्लेक्स डाला है, और 1/2 छोटा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च पाउडर। और इसके बाद हम एक बार इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जो नमक और मसाले हमने इसमें डाले हैं सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। हांडवो बनाने के जस्ट पहले ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब इनो, और इसके बाद एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि गैस पर एक कढ़ाई या फिर पैन जिसमें आप बनाना चाहते हैं वो रख देना है। उसके बाद डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, तेल को गर्म होने देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर बिल्कुल चुटकी भर नमक डाल दिया है। उसके बाद करी पत्ता, थोड़ा सा राई डाल देना है, मतलब 1/2 छोटा चम्मच के करीब, और इसके बाद 1 छोटा चम्मच के करीब डाल देना है सफ़ेद वाला तिल। और जैसे ये सारी चीज़ें हमारी थोड़ी सी चटकने लगेंगी, जो हमारा सूजी का बैटर है या मिक्सचर है उसको हमें इसमें डाल देना है, पूरा एक साथ डाल देना है। और इसके बाद इसको चम्मच से हम थोड़ा सा फैला देंगे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं या अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बना सकते हैं, पैन कढ़ाई दोनों में ये बहुत अच्छे से बन जाता है। और इसके बाद हम इसको कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जब तक इसकी ऊपर की लेयर इस तरीके से सूखी नहीं हो जाती। और इसके बाद हम इसको पलटेंगे, तो पलटते समय ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का है तो ये टूटे ना। तो मैंने भी इसको बहुत ही आराम से 1 चम्मच से उठाकर देख लिया था, नीचे से बिल्कुल अच्छे से पक गया था, फिर मैंने इसको आराम से पलट दिया था। दूसरी तरफ से भी हम हांडवो को 4 से 5 मिनट तक ही अच्छे से पकाएंगे और गैस धीमी ही रखेंगे। थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल ऊपर से डाल दिया था जिससे कि ये स्टिक ना हो। और देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा हांडवो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसको निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। तो अभी मैंने हांडवो को आराम से प्लेट में निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी भी ये हो गया था। तो चलिए अभी इसको हम कट करेंगे पीसेस में, जिससे इसको खाने में इजी पड़ेगा। तो अपने हिसाब से आप पीसेस में कट कर सकते हैं, ट्राइंगल शेप हो या फिर आप स्क्वायर में, जैसे चाहे कट कर सकते हैं। तो बस मैंने अपने हिसाब से इसको कट कर लिया है, और इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हैं, और आप बच्चों को भी इसे टिफ़िन में दे सकते हैं।
ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो आप एक बार ये सूजी का हांडवो जरूर बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करके भी आपको बताऊँगी कि ये वाकई कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और बाहर से ये क्रंची था, और मैंने इसको टमाटो केचप के साथ में थोड़ा सा टेस्ट किया था और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।